हेलो गाइस, फोटो एडिटिंग सीखने के लिए एमएस एडिटिंग चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए अपना वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, आपको फोटो को यहाँ पर अपने पिक्सार्ट ऐप में इम्पोर्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको तो गाइस आपको यहाँ पर तीन ऐप की ज़रूरत होने वाली है। तो फर्स्ट ऐप आपका पिक्सार्ट होएगा और सेकेंड ऐप आपका यहाँ पे लाइट रूम एंड थर्ड एंड लास्ट ऐप आपका होगा स्नैपचैट। तो गाइज ये तीनों ऐप के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज इन तीनों ऐप का हम कुछ टूल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे और एक शानदार तरीके की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं, तो आपको जो थंबनेल में नज़र आ जाएगी। तो गाइज इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग को सीखने के लिए हम सबसे पहले अपने पिक्सआर्ट ऐप का यूज़ करेंगे। तो पिक्सआर्ट में आपको गाइज फोटो को इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करने के बाद में गाइज हम पिक्सआर्ट का केवल एक टूल यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वो टूल होएगा आपके यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई वाला आपको, तो आपको इसको यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्मूथ, स्मूथ वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करना है। इसमें आपको हार्डनेस को यहाँ पे आपको 70 के आसपास रख देना है, साइज को हल्का सा यहाँ पे 30, आप साइज अपने अनुसार सेट कर सकते हो जो आप रखना चाहते हो। स्मूथनेस को भी आपको यहाँ पे 75 के आसपास रख देना है। और इसके बाद में आपको फोटो पे आपके यहाँ पे फेस पे आपको जो आपको फेस देख रहे होंगे, आपका फेस थोड़ा यहाँ पे शार्प नहीं है, थोड़ा क्लीन नहीं हो रहा, तो हम इसको थोड़ा सा शार्प करेंगे। तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है अपने फेस पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका फेस यहाँ पे शार्प हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फेस पे। तो गाइस आपको फेस पे यहाँ पे बस केवल आपके फेस वाले पार्ट पे यहाँ पे ड्रॉ करना है, आपके जो बियर्ड वाला पार्ट है, दाढ़ी वाला पार्ट है, उस पर आपको ये अप्लाई नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे पूरे फेस पे अप्लाई कर लेता हूँ। जो आपका नेक वाला पार्ट है उस पर भी आपको ये अप्लाई करना है। आप देख सकते हो कि आपका बॉडी का पार्ट यहाँ पे इतने शार्प तरीके से स्मूथ हो रहा है, यानी आपकी फ़ोटो की क्वालिटी यहाँ पे बेटर नज़र आएगी और बहुत शानदार तरीके की आपकी फ़ोटो यहाँ पे एडिट होने वाली है। ये हाथ वाला पार्ट में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो आपका यहाँ पे फेस बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, तो आपको यहाँ से इसको राइट डन कर देना है। राइट डन करने के बाद में गाइस एक बार और आपको यहाँ पे डन करना है और आपकी फ़ोटो को यहाँ पे ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके आपकी फ़ोटो को यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। तो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप एडिटिंग का यहाँ पे लाइट रूम में एडिट करेंगे। तो लाइट रूम में भी गाइस हम यहाँ पे एक या दो टूल यूज़ करने वाले हैं, इससे ज़्यादा हम टूल यूज़ नहीं करेंगे लाइट रूम में। तो हम लाइट रूम में फ़ोटो को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पे लाइट रूम को ओपन करना है और आपकी फोटो को यहाँ पे लाइट रूम में शेयर कर देना है। तो गाइज ये फोटो हमने जो पिक्सार्ट में थोड़ा स्मूथ की थी फोटो को, तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो गाइज इसमें आपको लाइट रूम में यहाँ पे कुछ टूल यूज करने पड़ेंगे, तो उस टूल्स को मैं बताता हूँ। तो गाइज आपको यहाँ पे स्टार वाले टूल्स के नीचे एक टेम्परेचर वाला टूल्स आपको नजर आ रहा होगा, तो आपको गाइज इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद में गाइज आपको यहाँ पे मिक्स वाले टूल्स को सेलेक्ट करना है। तो गाइज अब हम क्या करेंगे कि जो आपको फोटो के पीछे बैकग्राउंड वाला पार्ट नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन वाला पार्ट हम यहाँ पे ऑरेंज पार्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ग्रीन वाली लाइन है आपको कलर नज़र आ रहा है उस पर जाना है और इसकी एच यू ये इसको आपको बिल्कुल -100 कर देना है। 100 करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पे इसकी सेचुरेशन है, इसकी सेचुरेशन को हल्का से यहाँ पे 10 के आसपास इंक्रीज कर देना, 15 के आसपास। इसके बाद में येलो वाला पार्ट है उसमें भी आपको यहाँ पे जाना है और इसको भी आपको यहाँ पे कम कर देना, तो यहाँ पे मैं 30 के आसपास इसको कम कर देता हूँ और यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट नज़र आ रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे जाना है और इस फोटो को आपको यहाँ पे एक बार सेव कर लेना है। तो गाइज इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लें। सेव करने के बाद में गाइज आपको यहाँ से बैक वाले एरो पे जाना है और आपकी जो फोटो आपने यहाँ पे एडिट की थी उसको यहाँ से करके आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में गाइज जिस फोटो को आपने सेव किया है लाइट रूम में से, तो उसी फोटो को आपको वापस अपने लाइट रूम में इम्पोर्ट करना है। तो मैं उसको यहाँ पे लाइट रूम में इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे फोटो को हमने लाइट रूम में इम्पोर्ट कर लिया। इसके बाद में आपको वापस इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में गाइज अब आपको वापस टेम्परेचर वाले ऑप्शन पर जाना है यहाँ से और वही मिक्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ से ग्रीन वाले पे जाना है। ग्रीन में आपको फिर एच यू को यहाँ पे कम कर देना है। एच यू को कम करने के बाद में आपको यहाँ पे येलो वाला पार्ट है इसको भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम करना है, तो आपको बैकग्राउंड पे थोड़ा नज़र आ रहा होगा इसमें, और इसकी सेचुरेशन को यहाँ पे आपको 40 के आसपास बढ़ा देनी है। तो आपका बैकग्राउंड वाला पार्ट यहाँ पे ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है, एच यू को आपको बिल्कुल यहाँ पे -100 ही कर देना है। और इसके बाद में जो आपका ऑरेंज वाला पार्ट है उसमें भी जाना है और उसको भी आपको यहाँ पे हल्का सा आपको कम करना है और उसकी सेचुरेशन को भी आपको यहाँ पे हल्का सा बढ़ा देना है। हल्का सा बढ़ा देने के बाद में गाइज आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये वाला कलर है लाइट आसमानी वाला,
इसकी आपको हल्का सा एचयू को बढ़ाना है, कम करना है -25, और इसकी सेचुरेशन को बढ़ा देना है, और यहाँ से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद में गाइस जब आपको यहाँ पे टेम्प वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको इसका आपको टेम्प बढ़ा देना है। टेम्प बढ़ाने से क्या होगा कि जो आपका बैकग्राउंड वाला कलर है जो हमने सेलेक्ट किया था ग्रीन वाला पार्ट, वो आपका यहाँ पे कुछ हार्ड तरीके से यहाँ पे ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्प करने के बाद में टिंट को आपको यहाँ पे 10 के आसपास रखना है गाइस, टिंट को यहाँ पे 10 के आसपास रखना है। वाइब्रेंस को आपको यहाँ पे कम करना है, इससे क्या है कि आपके फेस पे ये रेड कलर अप्लाई नहीं हुआ ऑरेंज वाला, और सेचुरेशन को हल्का सा आपको यहाँ पे 8 के आसपास इंक्रीज कर देना है। और इसके बाद में गाइस आपको यहाँ से इसको कंप्लीट हो चुकी है स्टेप, तो यहाँ से आपको इसको यही रहने देना, और आपको 3 डॉट पर क्लिक करके फोटो को यहाँ पे सेव टू डिवाइस में जाके इसको हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। तो गाइस ये फोटो हमारी सेव हो चुकी है। तो गाइस इस फोटो को हम अपने अपने स्नैपचैट ऐप में इंपोर्ट करेंगे, तो मैं फोटो को स्नैपचैट ऐप में इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस फोटो को हमने स्नैपचैट ऐप में इंपोर्ट कर लिया है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट स्टेप इस फोटो में यूज करने वाले हैं। तो गाइस अब इस फोटो में आपका लाइट रूम एंड पिक्सआर्ट वाला स्टेप हो चुका है। यहाँ पे दो ही टूल्स आपके यूज होने वाले हैं, एक तो वो हो चुके हैं आपके, एक तो पिक्सआर्ट में आपका स्मूथ वाला था और लाइट रूम में आपका टेम्परेचर वाला ऑप्शन था जिसमें हमने कलर करेक्शन किया था। तो अब हम इसमें जितना भी फोटो में एडिटिंग होगी वो यहाँ पे अपने स्नैपचैट ऐप से होने वाली है। तो गाइस आपको यहाँ पे पेंसिल वाले टूल्स पे जाना है, और आपको यहाँ पे एक सेलेक्टिव वाला टूल्स आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में गाइस आपको प्लस वाला आइकन यहाँ पे ग्रीन वो ब्लू में रखना है ताकि ये ऑन रहे। इसके बाद में आपको टैप करना है, तो आपके टैप करने के बाद में आपके फेस पे इसको अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो फेस पे अप्लाई करने के बाद में इसको थोड़ा जूम आउट करना है, यानी आपके फेस पे सर्किल को यहाँ पे रेड शेडो पड़ेगी, उसको आपको फेस फेस पे अपने अप्लाई करना है। इसके बाद में इसकी ब्राइटनेस को आपको हल्का सा बढ़ाना है, और कॉन्ट्रास्ट को कम करना है, सेचुरेशन को भी थोड़ा सा कम करना है ताकि रेड वाला पार्ट अपने फेस पे नहीं रहे, और स्ट्रक्चर को बढ़ा देना है, जिससे क्या है कि आपके जो डिटेल्स है फेस की यहाँ पे बेटर तरीके से यहाँ पे नज़र आने वाली है। इसके बाद में आपको वापस प्लस वाला आइकन ऑन रखना है, और आपके जो टी शर्ट वाला पार्ट है यहाँ पे कपड़ों वाला उस पर अप्लाई करना है। इसमें क्या है कि ब्राइटनेस को बढ़ाना है आपको, कॉन्ट्रास्ट को कम करना है, और सेचुरेशन को भी कम करना है। सेचुरेशन को आपको इतना ही यहाँ पे रखना है, और आपके स्ट्रक्चर को यहाँ पे बढ़ा देना है। स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे 80 के आसपास रख देना है, और यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद देख सकते हो आपके यहाँ पे फेस थोड़ा ब्राइट हो चुका है यहाँ पे। तो वापस आपको यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्टिव वाले टूल्स को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो गाइस अब जो आपको बैकग्राउंड वाला पार्ट था उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कौन सा पार्ट, एक बार आपको वापस यहाँ पे जूम आउट करके जो कलर है आपका उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये हो चुका है इतना पार्ट। इसमें क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे ब्राइटनेस को कम करना है, और जो सेचुरेशन पार्ट है उसको आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, जिससे क्या है कि आपका ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा डार्क हो जाएगा, और स्ट्रक्चर को भी आपको बढ़ा देना है। तो गाइस अब आप सोच रहे हो कि अपने फेस पे ये रेड कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, तो गाइस इस वाले पार्ट को कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से एक बार तो इसे राइट डन करना है, और आपको यहाँ पे ऊपर एक एरो नज़र आ रहा होगा लेयर का और बेक वाला, तो आपको इस पे जाना है, और यहाँ से आपको व्यू एडिट्स पे जाना है। व्यू एडिट पे जाने के बाद में आपको फर्स्ट सेलेक्टिव यानी ब्लू वाला आपको नज़र आ रहा होगा आइकन, इस पे टैप करना है, और यहाँ से ब्रश वाला आइकन पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद में गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे ऑन नहीं करना, आपको फोटो को ऐसे रखना है, और आपको क्या है कि यहाँ से आपको ब्रश से टैप करना है, इससे आप देख सकते हो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपको इस टाइप से यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे फोटो को जूम करके ये चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेनी है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा तो आपका ये वाला पार्ट आप देख सकते हो कि आपकी जो फेस पे ये वाला पार्ट है यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, तो आपको यहाँ से राइट डन करना है। राइट डन करने के बाद में आपका पीछे वाला बैकग्राउंड यहाँ पे जो अपने चाहते थे उस टाइप से यहाँ पे एडिट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद में गाइज आपको यहाँ पे वापस पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड नजर आएगा, तो आपको इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद में गाइज आपको फेस स्पॉट लाइट इसको आपको 60 के आसपास रख देनी है, और स्किन स्मूदिंग इसको आपको 40 के आसपास यहाँ पे रखना है, और आई क्लियरिटी इसको आप जो बेटर बढ़ाना चाहो उस टाइप से बढ़ा सकते हो। और यहाँ से आपको नीचे एक छोटा सा फेस वाला आइकन नज़र आ रहा होगा, तो आपको इस पे जाना है, और यहाँ से आपको फेस पे जो कलर आप अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे मैं सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँगा, और इसको यहाँ से आपको राइट डन करना है। राइट डन करने के बाद में देख सकते हो आपकी स्नैपचैट में फोटो में कितना चेंज आया, तो वापस आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाना है यहाँ से, और आपको विग्नेट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ से जो इसका आउटर ब्राइटनेस है, तो पहले आपको तो इसको सेलेक्ट कर लेना है फेस को, आउटर ब्राइटनेस आपको यहाँ पे -40 के आसपास रखना है, और इनर ब्राइटनेस है इसको आपको 20 के आसपास रखना है, और यहाँ से इसको डन कर देना है। डन करने के बाद में गाइस आपको वापस पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाना है यहाँ से, और आपको ऊपर डिटेल्स वाले ऑप्शन नज़र आएंगे,
डिटेल्स को आपको हल्का सा यहाँ पे 15 के आसपास बढ़ाना, और शार्पिंग को भी आपको यहाँ पे 10 के आसपास बढ़ा देना और राइट डन कर देना है। तो गाइस देख सकते हो आपके यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कितना चेंज हो चुका है फोटो में, यानी एकदम यहाँ पे लुक चेंज हो चुका है। इसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर लेते हैं। वापस सेलेक्टिव पे जाना तो आपको नेक वाला पार्ट नीचे का आपको यहाँ पे थोड़ा डार्क नज़र आ रहा होगा, तो आपको ये सेलेक्ट करना है और इसकी ब्राइटनेस को आपको यहाँ पे बढ़ाना है और कॉन्ट्रास्ट को कम करना है, सेचुरेशन को भी यहाँ पे आपको कम करना है और स्ट्रक्चर को आपको बढ़ा देनी है। तो देख सकते हो आपके यहाँ पे कितना आपका पूरा फेस यहाँ पे एक जैसा यहाँ पे मैच हो चुका है। तो इसको यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सॉरी गाइस आपको यहाँ पे नीचे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाके आपकी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। तो गाइस देख सकते हो कि आपकी पहली फोटो कुछ इस टाइप की थी और यहाँ पे लाइट रूम में कितने शानदार तरीके से एडिट हो चुके हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके गाइस जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइस जब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।